हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहुत खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट ने रिवर्स लिया है, पर इतना ज़्यादा नहीं मैं इसको मान सकता, पर फिर भी हाँ, नॉट बैड, गुड, बहुत अच्छा रहा आज का प्रदर्शन कहेंगे क्रिप्टो का। पिछले 24 घंटे का बहुत बढ़िया, अच्छी ग्रोथ थी है। तो माय फ्रेंड्स, आज बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हैं जो हमें आज प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। तो उनसे थोड़े दिन पहले हमने रिक्वेस्ट भी की थी, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज प्लान करने के लिए उन्होंने अपना टाइम निकाला और आज हमें पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उस दिन उन्होंने बताया भी था, आज भी फिर थोड़ा बहुत इन शॉर्ट में वो बताएंगे कि कैसे उनका ये जिंदगी का सफर शुरू हुआ और कैसे रॉयल क्यू, और रॉयल क्यू के बारे में बताएंगे कैसे हम रॉयल क्यू के साथ जुड़ के बहुत ही अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। तो माय फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आप फोन लगा दीजिए जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, आज की प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, ताकि वो जो उनका तरीका है समझाने का, मुझे पता है बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए, फोन कर दीजिए। देखिए, मैं तो बात करते करते मैंने तो साथ में मैसेज भी कर दिया साथ साथ, तो सभी ग्रुपों में भी भेज दिया, टेलीग्राम पे भी भेज दिया, सब जगह भेज दिया। एक बंदे ने आज मुझसे पर्सनल लिंक भी मांगा था मीटिंग देखने के लिए, तो आज मेरा भी एक उम्मीद करता हूँ वो भाई साहब मेरे जिनको मैंने प्लान दिखाना था वो भी आज एंटर हुए होंगे आज इस मीटिंग में। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि 9:24 हो चुके हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मनोहर जी, मनोहर नेमा जी, और ये भोपाल से हैं। अभी देखिए V2 रैंक पे हैं और V2 रैंक पे ही आज ये प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे तो V3 और V4 लेवल तक के लोगों के भी, मैं कहूँ तो, पसीने छूट चुके हैं कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें, कैसे जूम के ऊपर आपके करें। तो इन्होंने V2 से ही स्टार्ट कर दिया है इस चीज़ को। देखिए, ये आई थिंक पहली बार हमारी जूम में कोई V2 प्लान करेंगे, और V2 ने ऐसी हिम्मत की प्लान करने की, ये सबसे बड़ी बात है। और देखेंगे आज मनोहर जी इस पिच के ऊपर सेंचुरी मारते हैं या डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी। तो मनोहर जी, वेलकम ऑन द जूम स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी, और मैं हिंदी में करूंगा वैसे प्रेजेंटेशन अपना। थैंक यू जस भाई, एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स फ्रॉम मतलब पूरे देश के, हमारे रॉयल क्यू टीम के और हमारे जो गेस्ट हैं आज उनके सामने। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा पाऊं, और अब मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन अपने साथ लेके जाएंगे जो वाकई में आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि मैं इसलिए इतना श्योर हूं इस बात को कहने के लिए कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं पहली बार जसप्रीत जी से और मेरे जो अपलाइन है उनसे मिला, और उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल थी जो कि किसी बुक में या किसी कॉलेज में नहीं मिल सकती थी। सो जस्ट मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, वो अगर अपना हैंड रेस कर सकें। ओके, जगदीश जी, गैलेक्सी, ओके, नाम नूर मोहम्मद जी, तुषार, कपिल, मिस्टर साहू, एंड ऑल राइट, सो वी हैव लॉन्ग लिस्ट। ऑल राइट, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो मैंने कुछ महीनों में इकट्ठी की है, और मुझे लगता है कि वो जानकारी आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में
जो माहौल है बिजनेस का उसके हिसाब से आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके फ्यूचर को बदल सकती है, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकती है। और फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताना चाहूंगा। सो ये एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर कर दूंगा मैं। राइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। सो आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे सभी? जी सर जी। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। तो आप लोग सभी लोग फोन पे पेटीएम इनके बारे में सुन चुके होंगे, जहां पे हम लोग डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं। एंड वी आर हम लोग इतने यूज टू हो गए कि अब तो मैंने पर्स रखना भी बंद कर दिया है। मैं कहीं भी अपना फोन लेके जाता हूँ और हर टाइप की पेमेंट उससे हो जाती है। और आजकल तो मतलब इवन छोटे से छोटा दुकानदार भी डिजिटल करेंसी के ऊपर आ चुका है। तो हमारे देश के अंदर जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल करेंसी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत सारे देशों से बहुत ही बढ़िया है। सो उस चीज को हम उस चीज का एक फायदा उठा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, और वही फ्यूचर है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है दुनिया की, सोच के देखिए। सो सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया की है करेंसी। एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया है। वो रेवोल्यूशन कैसे आ रहा है कि जहां बहुत सारी करेंसीज जो है वो फेल हो रही हैं और उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है और करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है, वहीं क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो सिस्टम है डिजिटल करेंसी के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं कि डिजिटल करेंसी जो है वो सेंट्रलाइज होती है, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो आपको समझना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं एक मिनट लूंगा, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप फिर क्रिप्टो करेंसी लेना चाहेंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वैल्यू ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कॉस्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसको कोई गवर्न नहीं करता। कोई बैंक की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हमें बस एक सॉफ्टवेयर वॉलेट की जरूरत है और एक इंटरनेट की जरूरत है और डिवाइसेस की जरूरत है टू एक्सचेंज। ये उतना ही सिंपल है जैसे एक ईमेल हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिजिटल करेंसी के अंदर इश्यूज हैं जिनके कारण डिजिटल करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। जैसे आप लोगों ने अभी सुना ही होगा कि आज यूक्रेन और रशिया के जो वॉर है उसके कारण रशिया की जो रूबल है उसका वैल्यू जो है बहुत डाउन हो गया है अगेंस्ट यूएस डॉलर, अराउंड 10% और उससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक बार जो नॉर्मल फिएट करेंसी जो है वो मार्केट में आ गई, अब वो किन हाथों में जा रही है वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो उसका जो रिकॉर्ड है, उसके जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना बहुत इम्पॉसिबल है, जिसके कारण आपने सुना होगा ब्लैक मनी या जो सारा काला पैसा है वो इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा पेपर मनी है उस मनी के अंदर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है इसलिए। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि इट इज रेगुलेटेड बाय बैंक्स एंड बैंक्स के कई, आप लोगों ने सुने होंगे कि कई सारे बैंक्स हैं जिनके अंदर कुछ गड़बड़ियों के चलते बहुत बड़े बड़े बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उसका ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बैंक्स खुद भी नहीं समझ पाते कि वो जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका जो पेमेंट हो रहा है वो सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलके क्रिप्टो करेंसी बनाई और क्रिप्टो करेंसी के अंदर उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, इजी टू ट्रांसफर है और इजी टू रेगुलेट भी है।
अगर इसको कोई कंट्री चाहती है रेगुलेट करना तो बहुत आसानी से रेगुलेट कर सकती है। सो यहाँ एक छोटा सा बैकग्राउंड आप समझ सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी शुरुआत जो थी मिस्टर सतोशी नाकामोटो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ने इसको शुरू किया और उनका पर्पस यही था कि हम एक ऐसी करेंसी बनाए जो दुनिया के अंदर बहुत ही आसानी से काम कर सके। आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स से हम जो फाइनेंशियल जो करेंसी के कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स से हम बाहर निकल सकें। तो उन्होंने एक ऐसा डिजिटल सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और वैल्यू ट्रांसफर करने के काम आता है। जिसका जब इन्होंने इसको इनोवेट किया था तब से लेके आज तक इसकी जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ही फिनोमिनल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन आज के डेट में $44,000 का हो गया है और इसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जैसे कि हमारे रुपए के पैसे सबसे छोटा यूनिट होता है, बिटकॉइन का सबसे छोटा यूनिट होता है सतोशी और उसकी वैल्यू भी आज बहुत ज्यादा है। आप $44,000 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ 3-4 पैसे के आसपास है। तो उसका बिटकॉइन का करोड़वा हिस्सा भी 3 पैसे के आसपास है आज की डेट में। और धीरे धीरे ये क्रिप्टो करेंसीज इतनी ज्यादा संख्या में इनोवेट हो गई हैं कि आज इनकी संख्या हजारों में है और इनका टोटल मार्केट कैप, ये डेटा थोड़ा पुराना है बट ये आज की डेट में इनका जो मार्केट कैप है वो $7 trillion के ऊपर है। और यहाँ 400 एक्सचेंज हैं जो कि इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं और जिनका 24 घंटे का वॉल्यूम $144 billion से ज्यादा है। अब आप लोग सोचेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से हो क्या रहा है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कोई रियल वैल्यू नहीं है, इससे होता क्या है। तो ये दोस्तों एक स्लाइड है जो मैंने कुछ जो स्लाइड है ये एक इमेज है जो मैंने कैप्चर की है बाइनेंस जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है उनकी वेबसाइट से। तो वो और उनके जैसे कई एक्सचेंज और कई सारे क्रिप्टो करेंसी ओनर्स एंड क्रिप्टो करेंसी कंपनीज एंड डिजिटल एसेट कंपनीज आर वर्किंग ऑन, ये लोग इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, इन सब गतिविधियों में भी काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, कई जगह उनके अफ्रीका में प्रोग्राम है जहां पे वो बहुत ही हैवी डोनेशंस दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी सरकारें या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये सारे प्रोग्राम्स चलाती है या बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करते हैं, ऐसे ही एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का, क्रिप्टो एसेट्स की और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के कई लोग हैं जो अपने तरीके से थ्रू क्रिप्टो करेंसी इन सब कामों में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहें तो आप जा सकते हैं binance.charity. इसके ऊपर। अब ये क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे और होता क्या क्या है, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, आप मैंने एक इमेज यहाँ पे ले रखी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी बनती जैसे जिस चीज से उसको बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग सुनने में तो ऐसा लगता है कि गड्ढे खोदने वाला काम है, माइनिंग जैसे हम लोग पत्थर की, हीरे की माइनिंग करते हैं, सोने की माइनिंग करते हैं, ये आईटी की दुनिया में इस माइनिंग का मतलब है इस रिकॉर्ड को जो लोग रखेंगे, इस रिकॉर्ड को सुचारू रूप से जो चलाते रहेंगे उन लोगों को माइनर्स का है। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अभी तक बहुत सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स इस एक्टिविटी के थ्रू बन चुके हैं इस दुनिया में। फिर अगर आप राइट साइड में देखें तो ट्रांजैक्शंस, तो इसके अंदर बहुत आसानी से ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें वॉलेट्स होते हैं जैसे कि हमारे पेटीएम, फोन पे, तो इस टाइप के बिजनेस हैं। देन ब्लॉकचेन है, सो ब्लॉकचेन नेटवर्क होते हैं जिनके ऊपर ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं। सो ये सारा एक इकोसिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी के साथ चलता है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट जस्ट जस्ट पीस ऑफ करेंसी
बट इसके पीछे बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा है, जिसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग यहाँ जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो माइनिंग से भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि माइनिंग में आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और बहुत ही कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करना पड़ता है। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में हर बड़ी कंपनी हर एक चीज ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रही है। हम लोग जैसे अपने घरों में ऑटोमेशन यूज करते हैं, हम अपनी गाड़ी में ऑटोमेशन होता है, एक सिस्टम होता है, एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो हमारी पूरी गाड़ी को मैनेज करती है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आज बात करेंगे जो कि आपके पर्सनल एसेट्स को, पर्सनल डिजिटल एसेट्स को मैनेज करता है और ऑटोमेट करता है उसका ट्रेडिंग। सो यहाँ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काम करते हैं। और यहाँ पे हम एक दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को हम यूज करते हैं। और इन्होंने 4 साल की बहुत इंटेंसिव रिसर्च के बाद ये सिस्टम डेवलप किया है, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, जो कि अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। और मैं आज इसके बारे में कुछ पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो बहुत ही बड़े ट्रेडर्स होते हैं या बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ रॉयल क्यू आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, और बहुत ही हैंडी तरीके से, बहुत ही एक इन्होंने इतनी यूजर फ्रेंडली ऐप के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को एक कॉमन पर्सन तक पहुंचा दिया है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है। एंड ये करता क्या है, आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके 24/7 आपके डिजिटल एसेट्स को मैनेज करता है और उनका क्वांटिफिकेशन करता है। अब ये क्वांटिफिकेशन करने की हमें जरूरत क्या है? सो बेसिकली यहां मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा कि क्यों, व्हाई वी नीड टू यूज दिस ऐप एंड व्हाई वी नीड टू बाय दिस क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, करीब 10 करोड़ अकाउंट्स हैं जो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एसेट है जो बहुत ही हाईली वोलेटाइल है। जितने भी यूजर्स इंडिया में या दुनिया भर में जब वो क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, पहला तो ये समझने में कि क्रिप्टो करेंसी कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, क्योंकि इतनी हजारों करेंसियां हैं और इन करेंसीज के बीच में हमें ये नहीं पता चल पाता है कि क्या सबसे बड़ा डिफरेंशियल फैक्टर है, कौन सी करेंसी बहुत अच्छा वैल्यू देगी और कौन सी नहीं देगी। सो यहाँ पे ये ऐप आपको फिल्टर आउट करता है कि कौन सी करेंसी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी करेंसी में नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इस ऐप के साथ, रॉयल क्यू के साथ, आपको वो सारा इंटेलिजेंस मिलता है विद द टीम ऑफ योर एक्सपर्ट्स व्हाट वी हैव हियर। यहाँ पे अब ये कैसे काम करता है, बाइनेंस जो है, बहुत दोस्तों मैं आपको बाइनेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और ये बाइनेंस के साथ काम करता है, बाइनेंस के ऊपर एज ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काम करता है। और बाइनेंस जो है दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है, जिसने 4 साल के अंदर दुनिया में ये पोजीशन हासिल की है। और आज की डेट में इनके जो ओनर हैं, सीजेड इज बिकेम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, और उन्होंने मुकेश अंबानी से ज्यादा वेल्थ 4 साल के अंदर दोस्तों इस बिजनेस के थ्रू खड़ी की है, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल है और उनका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी क्रिप्टो करेंसी खरीदें, आपको ये चेक करना है कि आप किस एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हैं
और हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है वजीरेक्स. सो वजीरेक्स इज नाउ पार्ट ऑफ बाइनेंस एंड बाइनेंस इंडिया में सेबी के साथ काम करके इसकी रेगुलेटरी प्रोसेस को डेवलप कर रहा है. और दुनिया के दो और बड़े एक्सचेंज हैं हुआबी एंड कॉइनबेस प्रो जिनके साथ रॉयल क्यू के साथ को हम लिंक कर सकते हैं और उस पर भी काम कर सकते हैं. सो कैसे रॉयल क्यू काम करता है ये थोड़ा सा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आप डिजिटल वॉलेट से अपने बाइनेंस अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और रॉयल क्यू की एपीआई बाइंडिंग करते हैं. अब ये एपीआई बाइंडिंग क्या है? ये एपीआई बाइंडिंग एक मेथड है, एक प्रोसेस है जो दो सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करती है. आपके बाइनेंस एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को आप रॉयल क्यू के साथ कनेक्ट करते हैं और जहां पे आप इसको रीडिंग एंड स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग की परमिशन देते हैं. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका जो फंड है वो बाइनेंस अकाउंट में ही रहेगा, ये केवल उसको रीड करेगा और इसमें स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग करेगा. स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग इज लाइक कि ये विड्रॉ और ट्रांसफर नहीं कर सकता है आपके फंड को, ये केवल एवरेजिंग कर सकता है, खरीद के बेच सकता है, बट इट कैन नॉट विड्रॉ ऑल द मनी. तो ये एक बहुत ही सेफ प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप यहाँ पे काम करते हैं. अब ये काम कैसे करता है? सो रॉयल क्यू एक बॉट है और ये बॉट जो है ऑटोमेटिक 24/7 आपके लिए काम करता है और ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी को यूज करता है जिसमें कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड यूज होती है. अब ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड में क्या होती है कि आप जो भी करेंसी खरीदते हैं उसको एक डॉलर की क्रिप्टो करेंसी, मतलब डॉलर की कॉस्ट में जो क्रिप्टो करेंसी वर्क कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं यूएसडीटी, जो कि डॉलर की कॉस्ट के आसपास ही उसकी कॉस्ट होती है, वो डॉलर की कॉस्ट को रिप्लिकेट करता है. एंड ऐसे ही हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी एक इंडियन करेंसी आने वाली है जो कि इंडियन क्रिप्टो होगी. तो ये यूएस डॉलर की के अगेंस्ट बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज को एवरेज करता है और यहाँ पे और भी एवरेजिंग के साथ साथ एक और मैकेनिज्म यूज करता है जिसको हम बोलते हैं सब इन मोड, जहां भी कि अगर वैल्यू बहुत ही डाउन हो जाती है किसी करेंसी की तो ये नीचे उस लेवल पे भी प्रॉफिट बुकिंग करता रहता है. एंड ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है सॉफ्टवेयर का जो कि बहुत ही कम आपको सॉफ्टवेयर्स को देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलेगा या किसी और एप्लीकेशन में, मैंने तो आज तक इसको नहीं देखा है. एंड यहाँ पे आप मल्टीपल कॉइन्स में एक साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि बहुत कॉमन प्रोसेस है, हम सभी सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं और सभी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ये फीचर होता है, बट कुछ चीजें हैं जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही यूनिक हैं. अब ये ट्रेडिंग कैसे करता है कि यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं सारी अपनी स्ट्रेटजी कि मुझे किस तरीके से अपने ट्रेड्स करने हैं. और यहाँ आप इसको बताते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, मतलब कितने डॉलर से स्टार्ट करना है. एंड जैसे ही रॉयल क्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ये फर्स्ट बाय करता है एक स्लॉट एंड वेट करता है अगर मार्केट अप जाती है. और जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रेटजाइज किया हुआ है कि 1.3% ऊपर जाने के बाद ये शुरू हो जाएगा और ये वेट करेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है. अगर ये मार्केट वापस लौट रहा होता है तो यहाँ ही सेल करके ये प्रॉफिट बुक कर देता है. तो यहाँ अगर आप देखें कि 1.3 ऊपर हुआ किसी कॉइन का वैल्यू और 0.3 जैसे नीचे हुआ तो ये 1% का प्रॉफिट हमें बुक कर देगा. नेक्स्ट मूव में ये वापस प्रॉफिट बुक करने के बाद $10 के अंदर बाय करेगा एंड वेट करेगा. अगर मार्केट मान लीजिए 5% ऊपर गया और वापस 0.3% जाता है तो ये अगेन 5% का प्रॉफिट बुक कर लेगा. एंड जैसे ही नेक्स्ट मूव में अगर ये मार्केट नीचे जाता है, अगर वैल्यू नीचे जाती है किसी कॉइन की, तो नीचे जाने के बाद जैसे ये बॉटम हिट करके रिटर्न करता है तो ये बाय कर लेता है. और अगेन अगर यही होता है मार्केट अगेन नीचे जाता है तो नीचे जाने के ऊपर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी ये नेक्स्ट बाय करता है और हर डिप में ये बाय करके एवरेजिंग करता है.
इसका मतलब ये है कि जैसे ही किसी भी कॉइन का भाव नीचे जाता है ये बाय करता है, और जैसे ही किसी करेंसी का रेट ऊपर जाता है ये प्रॉफिट बुक करता है। ये बहुत ही यूनिक चीज है, आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनके साथ बैठ के और एक बार इसको अच्छे से डेमो इसका देखिएगा और समझिएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप खुद की स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोफेशनली आपको अपनी स्ट्रेटजी देते हैं। अगर आप उनकी स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो आपको एक छोटी सी फीस 1% ऑफ योर प्रॉफिट उनको देना होता है प्रॉफिट आने के बाद, और आप उनकी सर्कल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि जिन लोगों को पता नहीं है कि किन करेंसीज को लेना है और कैसे उसमें ट्रेडिंग करनी है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टूल है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये क्वांटिफिकेशन करता है और क्या अर्निंग पोटेंशियल्स हैं। तो अगर हम $1,000 से शुरू करते हैं तो दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने कॉइन्स में आप ट्रेड कर रहे हैं और मंथली रिटर्न, तो जितने ज्यादा कॉइन्स में आप ट्रेडिंग करेंगे उतना चांसेस ज्यादा है कि आप क्वांटिफिकेशन उतना ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ एक हम लोगों ने जो पुराने डेटा के हिसाब से एक स्टडी किया है उसमें 3x to 25x का रिटर्न लोगों को मिला है पास्ट मंथ्स में, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। तो ये डेटा को आप और चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आप जाके स्टडी कर सकते हैं। वहां पे कुछ सर्कल ओनर्स ने अपने लास्ट डेटा को पब्लिश किया हुआ है, डेटा को आप पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी एनुअल फीस है, सब्सक्रिप्शन फीस है $120, $120 USDT। USDT जो है ये US डॉलर के इक्विवेलेंट वैल्यू होती है इसकी। आप इसको 1 ईयर के लिए इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, फिर उसको रिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो यहां तक जो पार्ट था वो था कि ट्रेडिंग। अब आप पहला तो ये है कि ये एक अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो आपको ट्रेडिंग सिखाती है, लेकिन अगर आपने ये ट्रेडिंग सीखी और आपने देखा कि प्रॉफिट तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन आपने अगर रियलाइज किया कि प्रॉफिट तो तभी बन सकता है ट्रेडिंग में जब आपके पास बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए हो, बट अगर आपके पास मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो आप इसी बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा कमा सकते हैं, एडिशनल इनकम अर्न कर सकते हैं जो कि आती है एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू। अब ये एफिलिएट प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग कोई भी नेटवर्क तैयार करते हैं, जैसे हमारे फेसबुक का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, या कोई भी नेटवर्क हम तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है कि आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, शेयर करते हैं इस सॉफ्टवेयर को एंड सिखाते हैं। और जब आप सिखाते हैं और वो अगर अपने ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट से भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। एंड एवरीथिंग, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होती है, तो आपको ये सब हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ये सारा जो भी आपका अर्निंग्स हैं वो डिपॉजिट हो जाता है इंस्टेंटली। सो जैसे कि हम लोग आज सब भी जानते हैं कि कितना फास्ट ग्रोथ हुआ है इन सभी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स का। सो ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां आप ट्रेडर्स का नेटवर्क बनाते हैं और ट्रेडर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ एक सर्कल में काम करते हैं। एंड यहां आप देखिए कि जो आपने $120 फीस दिया है उसमें रॉयल क्यू एज ए कंपनी हैज, इन्होंने एज ए कंपनी ये प्लानिंग किया हुआ है कि $70 को ये वापस से नेटवर्क में सर्कुलेट करेंगे या रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीसेलर्स को देंगे, और $14 जो है वो पीयर अवार्ड की तरह देंगे और ग्लोबल डिविडेंड की तरह देंगे, और $36 को इन्होंने अपने मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है। एंड यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हैं और आपका नेटवर्क शुरू होता है तो सबसे पहला लेवल जो यहाँ पे है, जब सबसे पहला आपको जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो जो आपको रैंक मिलता है दैट इज कॉल्ड एज V1। सो V1 लेवल पे जब आप स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं,
तो आपको $30 का एक रेफरल बोनस मिलता है अगर आप किसी को भी रेफर करते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो होता जाता है ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाते हैं और आप अप टू $70 तक ये इनकम अर्न कर सकते हैं। और नेटवर्क कैसे बढ़ता है वो तो आजकल किसी को बताने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि हम हर चीज में आजकल नेटवर्किंग यूज करते हैं। नेटवर्किंग इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ नाउ। सो बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है, बहुत ही प्रूवन मॉडल है बिजनेस का, जिसके अंदर लोग बहुत सारा ग्रोथ कर रहे हैं। आज की सारी दुनिया की बड़ी कंपनियां नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रही हैं। और अब अगर हम देखते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट में क्या होता है, तो जब भी बॉट काम करता है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट जो निकलता है उसका 20% जो है इसकी फीस होती है। और इसकी जो फीस होती है ये फ्यूल चार्जेस की तरह है जो कि पूरे टीम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसका भी अरेंजमेंट जो है, जो टोटल रेवेन्यू आपकी टीम में जनरेट होगा फ्यूचर में, उसका ये परसेंटेज आपको अकॉर्डिंग टू योर लेवल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें कि आज अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कितने दिनों में और कितना पोटेंशियल है, तो दोस्तों मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने ये बिजनेस दिसंबर में देखा और करीब मुझे एक महीना लगा थोड़ा समझने में और बाकी सारी चीजें करने में। और मैंने करीब जनवरी एंड में ये बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट किया और काम शुरू किया। एंड मैंने एक महीने में V2 रैंक अचीव किया, अराउंड 40-50 लोगों की टीम एक डेवलप हुई एंड इस टाइप की कुछ इनकम मुझे आनी शुरू हो गई जो कि डेली बेसिस पे $50 to $100 विच इज करीब 3,000-4,000 रुपए से लेके 7,000-8,000 रुपए तक मान लीजिए। V3 लेवल पे जो लोग हैं उनकी इनकम होती है 7,000-8,000 रुपए से 15,000 रुपए तक। और ये टेंटेटिव है, अगर आपने बहुत ही स्पीड में और बहुत अच्छे से काम किया तो आप बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अप टू यू, आपके पोटेंशियल और आपके स्किल के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से इसको समझ के लोगों को समझा सकते हैं एंड कितने अच्छे से आप इस बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे अच्छा रैंक है यहाँ पे, सबसे जो टॉप लेवल रैंक है विच इज V6। सो V6 लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे आपको ट्रेडिंग की इनकम तो आती है, नेटवर्किंग की भी इनकम आती है, प्लस आपको कुछ ऐसे रिवॉर्ड मिलते हैं जो आपके टीम के टोटल टर्नओवर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो कई सारे ऐसे यहाँ पे बैटल्स हैं जिनको अगर आप विन करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रेफरल इनकम, बहुत अच्छा एक रेसिड्यूअल इनकम मिलता है। सो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो बिजनेस है, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, आप इस बिजनेस को यहाँ इंडिया में बैठ के सारे कंट्रीज में कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपना फेसबुक नेटवर्क बनाया होता है और लिंक्डइन नेटवर्क बनाया होता है, जिसमें हम किसी भी कंट्री में, जहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सेम इस बिजनेस की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी देशों तक इसको पहुँचा सकते हैं और हर कंट्री में सम वे और द अदर वे इट इज डूएबल। वो बस आपको अपने जो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है वो, या फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में काम करना है। दोस्तों मैंने कई सारे देशों में अपने फ्रेंड्स को जब ये एक्साइटिंग प्रपोजल, ये सॉफ्टवेयर दिखाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट फेज ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड आई होप कि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए होंगे आपके दिमाग में। लेकिन हम बिफोर मूविंग टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मैं चाहूंगा कि पहले थोड़ा सा आपको इस बिजनेस की और रियलिस्टिक कुछ चीजें दिखाऊं जो कि बहुत ही यूनिक हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां मैं आपको एक, हमारे जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर जसप्रीत, उनका जर्नी दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ आप उनके चैनल पे देख सकते हैं कि उन्होंने
कैसे ये बिजनेस को शुरू किया और कितना फास्ट तरीके से V6 लेवल तक उन्होंने किया, विच इज वेरी इंस्पायरिंग. तो आप ये पूरा पिक्चर्स में भी देख सकते हैं यहाँ पे हाउ ही स्टार्टेड एंड ही हैज बिल्ड अ ह्यूज टीम हेयर. तो कैसे उन्होंने ये टीम को डेवलप किया है और कैसे वो इतनी बढ़िया टीम को लेके चल रहे हैं. और ये देखिए आप, कई सारे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें हम टीचिंग करते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं एंड बड़े बड़े स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं जो कि यहाँ बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं एंड आपको अप टू डेट रखते हैं बेसिकली. सो ये पूरा जर्नी है उनका जो आप देख सकते हैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन करके. एंड इसके बाद मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे बीच में जो लीडर्स हैं वो अगर कुछ बात बताना चाहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो मैं चाहूंगा कि जो लीडर्स हैं यहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. और दोस्तों, जिसने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है, आई थिंक वो व्यक्ति बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसको ये बिजनेस इतना जल्दी समझ में आया है. और आपको उनके साथ मिलके इस बिजनेस की और डेप्थ को समझना है, बिकॉज ये जो पूरी इंडस्ट्री है क्रिप्टो, ये बहुत ही नई है किसी भी व्यक्ति के लिए. तो आपको ऐसा बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको इस बिजनेस के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए. तो आपको क्या करना है, आपको सीखना है, तो आप या तो उन व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करें या फिर हमारी जो, बिकॉज अदरवाइज देर आर सो मैनी क्रिप्टो करेंसीज एंड बहुत कुछ हो रहा है. तो आप कहीं ऐसी सलाह ना लें जहां पे आपको मतलब ऐसे कई लोग हैं जो मुझे मिलते हैं और वो बताते हैं कि मैंने भी किया है और ऐसा है और वैसा है. तो दोस्तों, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उन लोगों से बात नहीं करनी है. आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति ढूंढना है इस इंडस्ट्री के अंदर और उस व्यक्ति के साथ काम करना है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है. बाकी इस इंडस्ट्री में मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको समझ नहीं रहे हैं. और कई यंगस्टर्स हैं जो यू नो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्री का जो टाइप है, इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप किससे सीख रहे हैं, और आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि जिसने आपको बुलाया है वो सही व्यक्ति है जो इस सिस्टम और इस प्रोसेस को समझ चुका है. आप उनके साथ बैठ के डाउनलोड कीजिए इस ऐप को, एक एक फीचर को समझिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करिए. क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट, जो स्ट्रेटजी है टू एंटर इन द मार्केट, वो बहुत ही बढ़िया मेथड से बनाई हुई है जिसके कारण आपका पैसा कहीं डूबने का सवाल ही नहीं होता. बट आपको बस ये करना है, आपको इसके बारे में सलाह सही लोगों से लेनी है. सो मैं चाहूंगा कि जो हमारे होस्ट हैं वो इसमें, या फिर मैं भी पूछ सकता हूँ, तो कौन है जो हमारे बीच में जो एक्सपर्ट्स हैं. अपन टॉप डाउन अप्रोच शुरू करते हैं. हम पहले उन एक्सपर्ट्स को सुनते हैं जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं. मतलब अच्छा लेवल हमारे यहाँ V6 है. तो मैं चाहूंगा कि पहले हम हमारे जो V6 लीडर हैं उनसे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि नए लोगों को क्या करना चाहिए जैसे ही वो ये बिजनेस देखते हैं, उसके बाद क्या सही तरीका है स्टार्ट करने का और समझने का इसको. तो जसप्रीत जी, आप थोड़ा सा इसमें. थैंक यू मनोहर भाई, थैंक यू वेरी मच. बड़ी अच्छी और बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी आपकी, मजा आ गया सुन के. थैंक यू सर. तो बस वही करना है जो आपने किया है, आपने सीखा है, इसीलिए आप आज यहाँ पे सिखा रहे हो ये चीजें. तो सभी दोस्तों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, जैसे कि आज भी मैंने अभी पोस्ट डाली थी थोड़ी देर पहले, अगर करोड़ों कमाने हैं तो जूम में आना शुरू कर दीजिए. पहले भी एक दिन डाली थी मैंने, अगर करोड़ों कमाना है तो जूम में आना शुरू कर दीजिए. बस एक ही चीज है, जिसने इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया वो सच में करोड़ों कमा जाएगा. तो
कल सुबह की जूम भी हमारी बहुत बढ़िया होने वाली है, हमारे विनोद सेन जी कल हमारी जूम मीटिंग लेंगे और बहुत अच्छे जबरदस्त आज बहुत तैयारी में लगे हुए थे। दिन में मेरी उनसे बात हुई तो इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना डाटा इकट्ठा कर रहे थे, इतनी चीजें इकट्ठी कर रहे थे कि सल्यूट है उनको। ये जज्बा होता है सीखने वाले लोगों का और वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, और उन्होंने एक छोटे से गांव में रह के बहुत कुछ किया है और क्रिप्टो के नाम पे तो यानी कि वहाँ पे अगर 50 किलोमीटर के एरिए की बात करूँ तो वो भगवान ही समझे जाते हैं वहाँ के उस एरिए के, क्रिप्टो किंग बन चुके हैं वो आज की डेट में। और ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में तो किंग के भी किंग बनेंगे वो। तो थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा V5 लीडर्स कोई जो यहाँ पर हैं वो आए और प्लीज रेज योर हैंड V5। तो मैं चाहूंगा कि मेरे सीनियर जो कि भोपाल से हैं उनसे हम सुने, मिस्टर संजय सूर्यवंशी, बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं। आपकी स्क्रीन शेयर भी हो रही है मनोज जी, स्क्रीन शेयर भी आप अपनी बंद कर लीजिए। ओके, हेलो, थैंक यू मनोहर जी, आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत सिंपल वे में आपने बहुत सारी चीजें समझाई है, बताई है, और बहुत बढ़िया लगा आपका प्लान रियली। दोस्तों, मेरा नाम संजय सूर्यवंशी है, मैं भोपाल से हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को 7-8 महीने मुझे लगभग हो चुका है, 8 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट किया था। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी मुझे फोन पे आई थी और मैंने ये पूरा फोन पे ही पूरा प्लान समझा, देखा। जसविंदर सर मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, और इनके थ्रू मैंने बहुत सारी चीजें सीखी समझी और मैंने यहाँ पर खुद काम करना, वर्किंग करना चालू करा। तब जूम भी नहीं हुआ करते थे तो हम लोग ऐसे ही मीटिंग करते थे, 1-to-1 प्लान करते थे, लेकिन दोस्तों लगे रहा। एक अच्छी बात यह रही कि अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई ना तो मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। ये अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने देखी तो मैंने इसको सीरियसली लिया, क्योंकि मैं खुद ही ट्रेडिंग करता था, मैंने ट्रेडिंग देखी थी और मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसमें मेरा काम मतलब 24 घंटे ट्रेडिंग होती, तो ट्रेडिंग ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जो 24 आवर्स चलती रहे। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि रॉयल क्यू 24 आवर्स ट्रेडिंग करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। सेकंड, आपको पैसा कमाने का बहुत बढ़िया मौका देता है। दोस्तों, यहाँ से मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा पे इनकम ली है, पैसिव इनकम ली है मैं बोलूंगा, जो डेली मुझे आती है, और एक बहुत अच्छी इनकम आती है जो जॉब से भी कभी नहीं आ सकती, और मैंने दूसरे प्रोजेक्ट भी किए हैं उससे भी मुझे कभी इतना पैसा नहीं आया जितना पैसा मैंने यहाँ से किया कमाया है, और मैं कमा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मैंने ड्रीम पूरे कर लिए हैं और मैं करते जा रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के ड्रीम मैं पूरे भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ जितने भी नए लोग आए हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को थैंक यू बोलना जिसने ये अपॉर्चुनिटी आपको बताई है, क्योंकि उस व्यक्ति वो व्यक्ति चाहता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। दोस्तों, जिसने मुझे ये प्रोजेक्ट बताया मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है आज, और आज रियली थैंक्स बोलूंगा मैं गॉड को भी बोलूंगा कि मेरा उस समय माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा था कि मैंने रॉयल क्यू इमीडिएटली स्टार्ट किया, मैंने वेट नहीं किया, और आज बहुत अच्छा पैसा मैं कमा रहा हूँ। जिसने भी आपको बुलाया है थैंक यू बोल के उसके साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए और जितनी जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि एक बार मौका हाथ से निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता, तो ये मौका आपको मिला है, तो थैंक यू। मेरा यहीं तक स्पीच थी, थैंक यू, थैंक यू मनोहर जी। ओके, थैंक यू सर। मनोहर जी, अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10:05 हो गए, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। हाँ जी, हाँ जी, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि मेरा एक ही सूल रहा है हमेशा कि जूम टाइम से शुरू और टाइम से हम वाइंड अप करते हैं इसको। तो आखिरी अभी बस राकेश मुंडेजा जी को, वो भी हैं जूम मीटिंग में, उनको ही अभी सुनेंगे 2 मिनट और उसके बाद इस मीटिंग को हम विराम देंगे क्योंकि ज्यादा टाइम ना हो जाए। तो मेरा उसूल है जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता जूम मीटिंग में, सॉरी। ठीक है जी, है ना। तो अभी मुंडेजा जी को अनम्यूट कर, मैं ही कर देता हूँ। हाँ, मैंने कर दिया। वेलकम सर, राकेश सर, प्लीज शेयर योर थॉट्स। थैंक यू मनोहर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वंडरफुल प्रेजेंटेशन आज की, बहुत शानदार सेशन रहा आपका, और यार ये इतने बड़े हीरे छुपा के कहाँ रखे थे जस भाई, तो ये सारे भोपाल में बैठे हुए हैं, मैं हैरान हूँ। जबरदस्त सेशन था आज मनोहर जी का, और देखिए दोस्तों बात वही होती है लेकिन उसको पेश करने का ढंग अलग होता है। तो जो आज जिस तरह से मनोहर जी ने जो चीजें सामने रखी वो मेरे ख्याल से हर बंदे को पूरी तरह से समझ में आई है,
और जैसे मनोहर जी कह रहे थे कि नए लोगों को क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मनोहर जी आपसे बेटर तो कोई बता ही नहीं पाएगा यार कि नए लोगों को क्या करना चाहिए। तो जो चीजें आपने करी हैं वही करनी है दोस्तों। सर मैंने आप लोगों को फॉलो किया है, मैंने आप लोगों को कोई भी जूम मीटिंग में मिस नहीं करता हूँ, और हमेशा जो आप लोग ग्रुप में पोस्ट करते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और स्टडी करता हूँ। तो बस मनोहर जी यही लोगों को करना चाहिए। थैंक यू सर। तो कहने का पता सबको है, वेलकम जी, पता सबको है कि उसे क्या करना है, लेकिन वही चीज है कि जो इम्प्लीमेंट कर देता है। देखिए नॉलेज तो दे सकते हैं हम लोग, लेकिन वो कब फायदा देगी जब आप उसको रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कल भी सुबह सेशन है जो कि एक हमारे बड़े अच्छे V3 साथी हैं मिस्टर विनोद सैन जी, तो वो भी यार एक डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, और वो आज पूरी रॉयल क्यू कम्युनिटी के लिए बहुत ही अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो कल का सेशन जरूर सुनिएगा, और थैंक यू सो मच मनोहर जी कि मुझे आप इनवाइट करा। थैंक यू जसपाल। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वी हैव बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन सभी को हम अभी नहीं बुला सकते, लेकिन आप अगर इन मीटिंग्स में आते रहेंगे तो आपको इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी जो बहुत डिफिकल्ट है खुद से सीख पाना। तो यहाँ हमारे जो भी स्पीकर्स होते हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया सक्सेस अचीव की होती है, बहुत अच्छी सक्सेस उन्हें मिली हुई है जो बिजनेस के अंदर हर एस्पेक्ट्स को समझ के और लोगों को सिखाना चाहते हैं अपनी पूरी मेहनत के साथ। सो मैं तो ये कहूँगा ये शॉर्टकट है इस बिजनेस का, अगर आप सारी मीटिंग्स में आए और लोगों के साथ जुड़े रहें जो कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, तो आप बहुत फास्ट सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इतने इत्मीनान से मुझे सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद है, और यहीं हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं आज, एंड कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। थैंक यू।